और आज हमारे साथ हैं संजीव कपूर जी, जो पद्मश्री भी हैं। और आइए उनसे जानते हैं कि इस तरह के आयोजन का कितना फायदा होता है और यहाँ पर युवा जो शेफ है उनको भी अवार्ड मिले। सर, इसको कैसे लेते हैं इस तरह के इवेंट को? देखिए, जब भी कोई अच्छा काम करता है, अच्छा काम के साथ में अगर सराहना ही नहीं होगी तो उसकी मज़ा नहीं आएगा। सो एनी रिकग्निशन, एनी रिवॉर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपको किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस चाहिए तो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन जो है वो इम्पेरेटिव है, मस्ट है और मैक्सिमाइज करना चाहिए दोनों तरफ से। मतलब उसमें कंजूसी नहीं करनी। सर, देखा जा रहा है भारतीय खाने में न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे, कैसे पूरा होगा ये? भारतीय खाने में न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो रही है, खाने में न्यूट्रिशन वही है। हम लोग न्यूट्रिशन जो है, अगर सूरज की धूप में कमी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप कमरे के अंदर बंद हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि सूरज की कमी हो गई है। नहीं, सूरज की कमी नहीं हुई है, हम बाहर दूर नहीं निकल रहे हैं तो हम उसको ले नहीं रहे हैं। तो खाने में कमी नहीं है, कमी हमें है। सर, जैसा देखा गया कि भारतीय महिलाएं वो खाना बनाती हैं बर्तनों में, लेकिन उन्हें किस तरह के बर्तनों में बनाना चाहिए? रीज़न क्या है कि जो नॉन स्टिकी हैं उनमें आजकल प्रॉब्लम आ रही है और इस तरह का बताया जाता है कि उनसे बीमारी की शंका रहती है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि नॉन स्टिक जो है उससे कुछ ख़राब होता है, क्योंकि आजकल जो मोटापा है काफ़ी बढ़ रहा है तो उसमें आपको कैलोरीज कंट्रोल करनी पड़ती हैं, तेल कम करना पड़ता है। तो नॉन स्टिक में क्या फ़ायदा होता है कि आप कम तेल में खाना बना सकते हैं। नॉन स्टिक ख़राब क्वालिटी के नुकसान दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के जगह जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल वे से बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, जिसमें जो कोटिंग है वो अच्छी क्वालिटी की होती है तो कोई टेंशन नहीं है। पुराने जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें खाना बना सकते हैं, लोहे के बर्तन में खाना बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के नॉन स्टिक में खाना बना सकते हैं। सर, जो एडल्ट्रेशन डाइट है इसके बारे में छोटी सी टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, एडल्ट्रेशन जो है वो एक बीमारी है और वो बीमारी का समाधान करने के लिए उसके लोग खुद डॉक्टर बन सकते हैं। सो एफएसएसआई ने एक छोटी सी बुकलेट निकाली है जो आप व्हाट्सएप पे आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एफएसएसआई की साइट पे जाके आप एडल्ट्रेशन सर्च करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, बड़े हैंडी रूप में, बहुत इजी रूप में। उसको डाउनलोड कर लें, लोगों के साथ शेयर करें, खुद भी नॉलेज दें, पता चल सकता है कि हल्दी ठीक है या नहीं है, ये मिर्च ठीक है या नहीं है, ये दूध ठीक है या नहीं है, तो उसके बारे में नॉलेज लें। तो ये थे हमारे साथ संजीव कपूर जी, जिन्होंने हमें बताया कि अडल्ट्रेशन डाइट के बारे में। इसके साथ साथ नॉन स्टिकी ख़राब नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के नॉन स्टिकी में खाना बनाना चाहिए।